अभी ढेर सारा स्टोन माइन कर लेते हैं, अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे वेट यार, मैं भी गए नूपपंती कर रहा हूँ पुराना सा घटिया तरीके का कॉबल स्टोन फार्म बना के। इसमें पता क्या हो रहा है, आधा कॉबल स्टोन मेरे पास कलेक्ट हो रहा है बट आधा जाके इस लावा में जल भी जा रही है। देखो लावा में ही चल गया। वेट, मैं ना कुछ नए तरीके का बनाता हूँ। अगर मान लो यहाँ से मैं ये वाला ग्लास तोड़ दूँ और फिर एक ये वाला ग्लास तोड़ दूँ और उसके बाद इस वाले ग्लास का नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद मैं वाटर ले लूँ यहाँ से और यहाँ पर वाटर डाल दूँ तो डायरेक्ट इसमें आके रुक जाएगा। अब यहाँ से मैं लावा लेकर इसमें डाल दूँ तो एक कॉबल स्टोन बन जाएगा और अब इसमें से कोई भी कॉबल स्टोन बर्बाद नहीं जाने वाला है, सारा का सारा मेरे पास कलेक्ट होगा। ये वाला तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। चलो अब टेस्ट करते हैं इसमें कॉबल स्टोन डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर सारा का सारा कलेक्ट हो रहा है। लेट्स गो। दो कलेक्ट हो गए, तीसरा सारे कलेक्ट हो रहे यार ऑलमोस्ट। हो सकता है एक आध जल जाए बट अभी तक एक भी नहीं जला है। नहीं ये वाला जल गया शायद, बट ठीक है यार उससे तो बेटर ही है। चलो फिर ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर एएफके बैठते हैं, मुझे ढेर सारा कॉबल स्टोन इकट्ठा करना होगा। वेल तो ढेर सारे कॉबल स्टोन इकट्ठे हो चुके हैं और थोड़ी देर में शायद दोबारा से रात होने वाली है या सूरज बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और चांद वो देखो ऊपर आ रहा है। बट ठीक है, सामने ही विलेज है तो मैं काम करता हूँ यहीं से ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉबल स्टोन इकट्ठे हो गए, मैं विलेज से जाके बैठ ले लूंगा और तुरंत दिन कर लूंगा। डन। तो अभी फिर फटाफट से मुझे भाग के चलना होगा, स्पीड ब्रिजिंग का टाइम आ चुका है, तो फिर फटाफट से भागते हुए चलते हैं। वैसे गाइस मैं इतनी ज्यादा बुरी भी स्पीड ब्रिजिंग नहीं करता हूं, मतलब हम तुरंत ही अच्छी खासी स्पीड से जा रहे हैं और 1.18 का एक घटिया ग्लिच मेरे को ब्लॉक ही नहीं दिख रहा है। अरे यार मैं चुपचाप आराम से ही जाने वाला हूं, सच्ची में कुछ नहीं दिख रहा यार। ओके तो फाइनली अब मुझे ब्लॉक्स दिखने लगे हैं तो दोबारा से स्पीड ब्रिजिंग कंटिन्यू करते हैं। डन गाइस, तो फाइनली मैं ब्रिजिंग करता हुआ पहुंच चुका हूं इस विलेज तक। जल्दी से चलते हैं इस जार को तोड़ के अंदर और यहां पर प्यारा सा गोलेम है। टेंशन मत कर, मैं तेरे को मारने नहीं वाला क्योंकि इस वर्ल्ड में वैसे ही काफी ज्यादा कमी है चीजों की। और वेट, यहाँ पर कुछ पिग हैं तो इन पिग को खिलाऊं या मारूं, क्योंकि देखो अगर इन्हें मारा तो फिर बाद के फूड का टेंशन है। बाय द वे एक को तो मार ही सकते हैं ना, चल वे फूड दे। ओके चलकर देखते हैं अंदर यहाँ पर और कौन। अरे भाई साहब इतने सारे विलेजर्स क्या कर रहे हो भाई, यहाँ एक ही बैठेगा पूरे। लाओ पहले एक बैठ तो मेरे को दो। भाई विलेजर्स की कमी है, ऐसे मरना मत प्लीज। और क्या क्या है इस विलेज में, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए और एक प्यारा सा शीप है। लाओ भाई फूड दो। मेरे पास फूड की ना भर की कमी है तो मैं यहाँ पर ज्यादा किसी को छोड़ने नहीं वाला हूँ। यहाँ पर भी मस्त बेड लगा हुआ है और अरे भैया भगदड़ मची पड़ी है, यहाँ तो सारे बेचारे एक जार में परेशान हो रहे हैं और कुछ खास ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं लोग। तेरे पास है कुछ 3 एमराल्ड की कायरन एक्स, पागल है क्या? इस वाले पे चलते हैं। यहाँ पर ब्रिंग स्टैंड है और दो ये दोनों बड़े प्यारे हैं, इनका अपना पर्सनल घर है। ये यहाँ के मुझे डॉन लग रहे हैं भाई, कसम से चुपचाप सो रहे हैं घर में। बट जो भी हो असली भगदड़ तो भाई आम अच्छी है, समझ ही नहीं आ रहा कितने लोग हैं। ओके यहाँ पर ओ वेट ये काफी जल्द एक्सप्लोरर नेदर पोर्टल कंपास। ओ भाई साहब मैंने कहा था ना गाइस इसमें हम लोग अपना कस्टम पोर्टल नहीं बना सकते, ये हमें कंपास देगा, वो हमें डायरेक्शन बताएगा फिर हम लोग जाएंगे नेदर तक। और क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड कंपास, लेट्स गो। यहाँ पर कुछ शल्कर बॉक्स हैं, यूज दीज एज टेली, ओ ये हमें टेलीपोर्ट करने वाले हैं। लोड स्टोन भी दे रहा है और भी काफी सारी चीजें हैं, क्लॉक कंपास वगैरह। ठीक है मैं तेरे पास आऊंगा एक्सप्लोरर, ये कुछ नया ही चीज है और थैंक यू सो मच फॉर फूड। अभी फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं, काम की चीज तो मुझे मिल गई है कि कैसे मुझे नेदर वगैरह जाना है। बाकी यहाँ पर बहुत सारा हेई बेल है तो यहाँ से हेबेल इकट्ठे करने के लिए एक हॉय बनाना होगा। लाओ भाई लाओ, इसी बात पे ढेर सारा वोट दो, मैं एक हॉय बना लेता हूँ ना लगे यहाँ। क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद स्टिक्स के लिए मुझे रखना होगा ये रख के मुझे दो कॉबलस्टोन ऐसे रखने और ये बन गया हॉय। अब ढेर सारा यहाँ से मेरे फूड का जुगाड़ तो हो जाएगा सारा हेबेल ले जाकर। और वेट यहाँ पर एक स्पॉन्ज भी है बट इस स्पॉन्ज का यूज नहीं पता बट फिर भी कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को यूज पता है, पानी सुखाने के काम आती है बट इसमें एक्स्ट्रा यूज क्या है, मेरे को पानी सुखाना नहीं उल्टा एक्स्ट्रा पानी चाहिए। हेबेल तो मुझे मेरे हिसाब से सारा का सारा लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ कैरेट है, ये भी ले लेता हूँ, पिक को खिलाने के काम आएंगे। एक्स्ट्रा कैरेट आ चुका है तो यहीं पर वापस से लगा भी देता हूँ, कुछ थोड़े बहुत बच जाएंगे। एक काम करता हूँ, इसी फार्म को मैं अपना फार्म समझ के चलाता हूँ ना, क्यों इनका नुकसान करा रहा हूँ मैं। जो जो कैरेट उगे हुए थे उनको मैंने ले लिया और जो बाकी है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। डन। तो ये फार्म आज से अपना फार्म है। और कुछ है तुम्हारे पास फार्म के नाम पे? टॉर्च दे दो यार, टॉर्च मेरे बहुत ज्यादा काम किए फिलहाल। ओके इस वाले घर के अंदर भी मैं गया था, अरे भाई कसम से गलत ही भगदड़ है यहाँ पर। ओ वेट अपने को पहले से ये वाला टेबल मिल रहा है और ये भी ठीक है। ओ अपनी स्पीड कम हो चुकी है, मेरे को वापस चलना चाहिए। बाय गोलेम मैं बाद में आऊंगा, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। ये क्राफ्टिंग टेबल है, इसमें से ना ये थोड़ा सा वुड रख लेता हूँ और थोड़ा बहुत लेटर्स बना लेते हैं, अपने काम आएगी। इन लेटर्स को चल के लगा देता हूँ यहाँ पर। अब चढ़ते हैं सीधा ऊपर और चलते हैं वापस से अपने घर पे। मुझे कल नहीं मतलब ओए वेट मैं बेड तो लेकर जा रहा हूँ। मैं सो के ना लगे यहाँ दिन ही कर लेता हूँ, यहाँ नहीं सोऊंगा, पता चला जिंदा हुआ सीधा।